तो आज मैं आपको लाइव दिखाने जा रही हूँ विंटर का लेटेस्ट वर्जन 8.1 कैसे निफ्टी में काम करते हैं, नसी में कैसे काम करते हैं। तो ये एक्चुअली ये सॉफ्टवेयर ऑल मेजर फिनेंशियल मार्केट को सपोर्ट करते हैं। इनसे एक ही सॉफ्टवेयर में आप देख सकते हैं MCX, NSE कैश, फ्यूचर, ऑप्शन, करेंसीज, अग्री, कॉमेक्स एंड फॉरेक्स। तो अभी मैंने ओपन किया है निफ्टी का चार्ट है। तो ये निफ्टी में कैसे काम करते हैं आप लाइव देख सकते हैं। तो इसमें जो भी चार्ट हम ऐड करते हैं वो सभी का लाइव रेट यहाँ पे आ जाएगा। इसमें हम यूज़ कर रहे हैं रियल टाइम डाटा, उसमें कोई डिले नहीं है, सेकंड्स का भी डिले नहीं है। इट्स रियल टाइम टिक बाय टिक डाटा, क्योंकि हमें ट्रेड करने के लिए रियल टाइम डाटा की ज़रूरत है। सो वी आर यूजिंग रियल टाइम टिक बाय टिक डाटा। तो अभी मैंने निफ्टी का फ्यूचर ओपन किया है, निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 11,005। तो ये ऊपर जो आ रहा है वो लाइव मार्केट रेट है। इसमें हम जो भी ऐड करते हैं वो लाइव यहाँ पे लाइव रेट यहाँ पे आ जाएगा। तो जब लेटेस्ट वर्जन है इसमें आप देख सकते हैं एक रेड डाउन एरो दैट इज़ अवर सेल सिग्नल एंड ग्रीन अप एरो इज़ द बाय सिग्नल। तो ये दोनों सिग्नल्स ऑटोमेटिक है। एक तो सिग्नल आते टाइम पे इसी तरह के अलर्ट मैसेज आएगा आपके स्क्रीन के अंदर, वो भी एक साउंड इफेक्ट के साथ इसके अंदर लिखा हुआ आ जाएगा क्या रेट पे आपको बाई करना है, क्या रेट पे सेल करना है, वो प्राइस के साथ ही अलर्ट आ जाएगा। या अगर आप ये फुल देखना चाहते तो इसी तरह ड्राई करके बड़ा भी कर सकते हैं एंड इसको मूव करके कोई भी एक जगह पे आप देख सकते हैं। एंड अगर आपने अलर्ट को जैसे सिग्नल आते टाइम पे अगर आपने अलर्ट को मिस किया या बाई मिस्टेक आपने देखा नहीं हो तो सेम डिटेल्स आप ऊपर भी देख सकते हैं। तो आज सेल हमें मिला था निफ्टी में, आज हमें सेल मिला था 11,081.25 पे एंड डेट सॉरी टाइम इज 9:21 सुबह, मॉर्निंग 9:21 को हमें सेल मिला था। 21 AM हमें सुबह सेल मिला था एंड द डेट इज आज की डेट है। एंड अभी मार्केट रेट के हिसाब से कितने पॉइंट प्रॉफिट है वो भी आ जाएगा, 76.25 पॉइंट प्रॉफिट है। एंड स्टेटस में आप देख सकते हैं ऑल टारगेट हैज बीन अचीव्ड। तो जैसे सिग्नल्स आते हैं ना तो हर सिग्नल पे हमें ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। सॉफ्टवेयर गिव्स ऑटोमेटिक सिग्नल्स लेकिन हर सिग्नल पे हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो ट्रेड करने से पहले हमें इसका कंफर्मेशन चेक करना चाहिए। तो हमें सिर्फ दो कंफर्मेशन चेक करना चाहिए। फर्स्ट कंफर्मेशन जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सिग्नल आ गया, सेल सिग्नल हमें मिला है 81.25। तो 81.25 मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैंडल पे सिग्नल मिला लेकिन हमें जो 81.25 जो एंट्री पॉइंट है नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग रेट है। तो नेक्स्ट कैंडल पर ही हम एंट्री ले सकते हैं अगर कन्फर्म होगा तो। तो सेल का फर्स्ट कन्फर्मेशन आप नीचे देखिए प्राइस इन सेल्स ऑन करके लिखा हुआ आना चाहिए। एंड द सेकेंड कन्फर्मेशन नीचे जो बार है ये कैंडल के नीचे जो बार है बार का कलर भी सिग्नल के फेवर में आना चाहिए। मीन्स वो सेल सिग्नल तो नीचे इसका कलर भी रेड आना चाहिए। काफ़ी सिंपल है ना। फर्स्ट कन्फर्मेशन प्राइस इन सेल्स ऑन एंड ये बार कन्फर्मेशन बार का कलर रेड आना चाहिए। दोनों पैरामीटर ओके होगा तो डायरेक्ट मार्केट में जो रेट होगा वही रेट पे ट्रेड एक्सिक्यूट कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से नीचे इसका स्टॉप लॉस आ जाएगा। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, हमेशा हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ही फॉलो करना है क्योंकि ये रिस्क रिड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पे लिखा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, फुल डिटेल्स सॉफ्टवेयर आप नीचे देते हैं तो वहाँ से हमें फॉलो करना होगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे नीचे दिया है एबो 29.05 एंड इसके लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं टारगेट 1, टारगेट 2 एंड टारगेट 3 56.90, 37 एंड 17.90। तो तीनों टारगेट यहाँ पे आ जाएगा। तो यह इसके अभी इसके हिसाब से ऑल द टारगेट हैज़ बीन अचीव्ड। एंड जैसे सिग्नल्स आने के बाद फॉर एग्जांपल हमने एंट्री लिया और हमारा टारगेट पे हमने एक्सिट भी है, एक्सिट करने के बाद भी इतना ट्रेंडी मार्केट होगा तो सिग्नल कंटिन्यू चलेगा आफ्टर हिटिंग द टारगेट। तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर में री एंट्री करने का ऑप्शन देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं री एंट्री सजेशन भी आ चुका है, सेल एट 95 एंड टाइम एंड डेट भी है यहाँ पर लिखा है, टाइम एंड डेट एंड टारगेट भी यहाँ पर लिखा है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर री एंट्री सजेशन ऑलरेडी सॉफ्टवेयर ने दिया है 95 पे लेकिन हमारे एंट्री पॉइंट अभी जो मार्केट रेट है मार्केट प्राइस ऊपर जा रहा है। ये ट्रेंड रिवर्सल के टाइम पे सॉफ्टवेयर अगर हमें री एंट्री सजेशन दिया तो वहाँ पर हमें री एंटर करना नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी टारगेट सभी अचीव हो गया। एंड हमें री एंट्री सॉफ्टवेयर जो री एंट्री देते हैं ना उस पर भी री एंटर करने से पहले हमें ऐसे लगे कि यहाँ पे री एंट्री दिया तो तुरंत वहाँ पे री एंटर नहीं करना चाहिए क्योंकि वहाँ पे देखना है कि ट्रेंड रिवर्सल के टाइम पे री एंट्री सजेशन में हमें वर्क नहीं करना चाहिए। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं
राइट हैंड साइड पे विंड ट्रेडर ट्रेंड्स के नीचे, विंड ट्रेडर ट्रेंड्स मीन्स ओवरऑल ट्रेंड है, मीन्स 1 आवर, 30 मिनट, 50 मिनट, मीन्स शॉर्ट टाइम एंड लॉन्ग टाइम के हिसाब से मार्केट एट प्रेजेंट मार्केट क्या ट्रेंड में चल रहा है एक ही स्किन के अंदर आ जाएगा। आपको इसका टाइम फ्रेम चेंज करके देखने की जरूरत नहीं है, ये सभी एक ही स्किन के अंदर आ जाएगी। अभी आप देख सकते हैं एनालाइज में 5 मिनट अभी मार्केट डाउन ऊपर जा रहा है, ट्रेंड रिवर्सल है, इसलिए मैंने कहा कि ट्रेंड रिवर्सल के टाइम पर री एंटर नहीं करना चाहिए। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड एंड ग्रीन लाइन, ये ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन मीन्स ये रेड लाइन डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है एंड ग्रीन लाइन अप ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है। तो ये जो ट्रेंड, जैसे कुछ लोगों को ये डाउट है कि जैसे हमने एंट्री लिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एंट्री लिया, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हो गया तो वहाँ पे हमें एक्सिट करना या मीन्स एक्सिट करना चाहिए या नहीं, कुछ लोगों को ऐसे डाउट है। लेकिन एक्सिट नहीं करना है, क्योंकि जब तक हमारा फिल्टर्स हमारा कन्फर्मेशन सपोर्ट करते तब तक हम वेट कर सकते हैं, क्योंकि इतना छोटा छोटा मोमेंट्स है ना, यहाँ पर ज़रा सा मार्केट ऊपर गया था इसलिए ट्रेंड लाइन चेंज हो गया, लेकिन ये हमारे इंडिकेटर को इफेक्ट नहीं किया। तो जब तक हमारे इंडिकेटर पॉजिटिव है तब तक आप मार्केट में हमारा टारगेट अचीव होने तक हम वेट कर सकते हैं। ये इतना छोटा छोटा मोमेंट इसमें हमारा फिल्टर पे इफेक्ट नहीं होगा। एंड इसमें हम यूज़ कर रहे बार चार्ट, कैंडल स्टिक हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। बार चार्ट हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि ये नॉर्मल कैंडल स्टिक पैटर्न अगर आपने यूज़ किया तो साइडवे का इंडिकेशन आपको पता नहीं चलेगा। तो बार चार्ट मीन्स ये नॉर्मल कलर्स, अभी आप देख सकते हैं सेल के लिए रेड, इसके बीच में कोई भी एक कैंडल भी ग्रीन में नहीं हुआ है, तो फिर ये इसी तरह बार चार्ट मीन्स सेल होगा तो फुल रेड होगा, बाई के लिए ग्रीन होगा। इसके अलावा भी आप इसमें कुछ कलर्स देख सकते हैं, लाइक ऑरेंज कलर, एमडी कैंडल्स, वाइट कैंडल्स एंड लाइट ब्लू, ये सभी साइडवे का इंडिकेशन दे रहे हैं। मीन्स मार्केट अगर साइडवे होगा तो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर का कलर चेंज करके देगा, इज गिविंग एन इंडिकेशन दैट मार्केट इज गोइंग साइडवे। तो वहाँ पे हमें एंट्री नहीं करना चाहिए, इनके मोस्टली वहाँ पे सिग्नल का कन्फर्मेशन नहीं मिलेगा। इनकेस अगर आपको सॉफ्टवेयर ने कन्फर्मेशन दिया तो भी वहाँ पे एंट्री लेना रिस्की है, इसलिए हमने बार चार्ट पे सेट किया। लेकिन अगर आपको कैंडलस्टिक ही आपको कैंडलस्टिक में ही अगर आप देखना चाहते हो तो कैंडलस्टिक में भी कन्वर्ट करने का ऑप्शन है, वो हमारा जो ट्रेडर हमारे कस्टमर्स के लिए ट्रेनिंग सेशन हम देते हैं उसमें आपको फुल दिखाएगा इसका सेटिंग कैसे करना है। एंड ये लेटेस्ट वर्जन में हमारा स्कैनर है, लेटेस्ट वर्जन के साथ हमारा फर्स्ट हमने रिलीज किया था हमारा स्कैनर 1.1 वर्जन, अभी हमारा लेटेस्ट स्कैनर, अभी आप देख रहे हैं सब लेटेस्ट स्कैनर 1.2। तो ये लेटेस्ट स्कैनर का मेन 3 फीचर्स ये है कि ये डायरेक्ट बाइसल सिग्नल का इंडिकेशन देते हैं एंड री एंट्री सजेशन का भी, मीन्स हमें चार्ट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, री एंट्री सजेशन डायरेक्ट स्कैनर में आ जाएगा एंड ट्रेंड लाइन यूज़ करके भी ये बाइसल सिग्नल देते हैं। तो हमें बस ये करना है कि आप जिसमें आपको क्या करना है कि आप जिसमें ट्रेड करना चाहते हैं आपको एक मार्केट लिस्ट बनाइए एंड आप कोई भी चार्ट मीन्स हम नॉर्मली लेटेस्ट स्कैनर में कोई भी फॉरेक्स पेयर के अंदर ही स्कैनर को सेट करते हैं। तो आपको ये फर्स्ट आप ध्यान में रखना है कि कोई भी फॉरेक्स पेयर के अंदर ही स्कैनर को सेट करना चाहिए, क्योंकि ये एक्चुअली लेटेस्ट स्कैनर टिक बाय टिक डाटा को कैलकुलेट करने के बाद हमें सिग्नल देते हैं। तो हमेशा एक फास्ट मूविंग चार्ट के अंदर ही इसको सेट करना होगा, कोई भी फॉरेक्स पेयर। तो हमारा डाटा के अंदर फॉरेक्स ऑलरेडी इंक्लूड है, तो वहाँ से कोई भी फॉरेक्स पेयर हमें ऐड करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं मैंने स्कैनर यहाँ पर ऐड किया GBP USD के अंदर, तो आप ही कोई भी फॉरेक्स पेयर के अंदर स्कैनर सेट कर सकते हैं। तो जो जो चार्ट हम मार्केट वॉश में ऐड करते हैं ना, मार्केट वॉश में ऐड करना काफ़ी सिंपल है, अभी ऑलरेडी मैंने काफ़ी सिंबल्स ऐड किया है। तो यहाँ पे ऐड करने के लिए जस्ट राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक एंड सिंबल्स में जाइए, नहीं तो आप व्यू में क्लिक कीजिए, सिंबल्स का ऑप्शन यहाँ पे है, इसका शॉर्ट फॉर्म Ctrl-U क्लिक कीजिए तो डायरेक्ट ये चार्ट डाटा आ जाएगा। तो हमारे एक ही सॉफ्टवेयर में आप फुल देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा MCX है, NSE फ्यूचर है, ये F&O मीन्स फ्यूचर है, NSE स्पॉट मीन्स कैश है, एग्रीकल्चर एंड निफ्टी ऑप्शन है, ये निफ्टी का निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का वीकली ऑप्शंस भी है, ये MCS करेंसीज है एंड बिटकॉइन एंड कॉमेक्स फॉरेक्स ऑल मेजर फिनेंशियल मार्केट एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाएगा एंड ये सभी लाइव मार्केट है, लाइव डाटा है। तो आप इसमें फॉर एग्जाम्पल अभी मैं कोई ऐड कर रही हूँ, तो यहाँ पे ऐड करने के लिए अभी मैंने NSE F&O में कोई ऐड करते हैं, डबल क्लिक कीजिए
सॉरी ओपन हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी के बाजू में एक येलो कलर है। येलो कलर मीन्स ऑलरेडी वो चार्ट हमने ऐड करके रखा है मार्केट वॉच के अंदर, तो जो जो आप ऐड करते हैं ना ऑटोमेटिकली इसके मार्केट वॉच में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐड करने के लिए अभी मैं एशियन पेंट को ऐड करने जा रही। एशियन पेंट ऐड करने के लिए एक दो ऑप्शन है, एक इसमें सेलेक्ट करके शो है ना यहाँ पर क्लिक कीजिए, ये ना मार्केट वॉच में आप देख सकते हैं मार्केट वॉच में ऐड हो गया, ऑटोमेटिकली स्कैनर में भी आ गया। इसके अलावा जैसे अभी मैं अपोलो हॉस्पिटल ऐड कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम ने ऐड किया था यहाँ पे क्लिक करके शो, अदरवाइज़ आप है ना इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए, ऐसे भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो जो जो आप ऐड करते हैं ना एक डायरेक्टली मार्केट वॉच में ऐड हो जाएगा, एंड अगर हमारा स्कैनर ओपन होगा तो स्कैनर में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। स्कैनर में ऐड करने के लिए ये ऑलरेडी मैंने ऐड करके रखा है ना, तो इसी तरह मार्केट वॉच में ऐड करने के बाद मार्केट वॉच में से GBP USD हमारा फॉरेक्स पेयर ही ऐड करना होगा, उसके बाद राइट क्लिक चार्ट विंडो, इसी तरह की चार्ट आ जाएगा। उसमें टाइम फ्रेम आप जो टाइम फ्रेम इंट्राडे वी कैन फॉलो 5 और 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर डेज, डेली वो सभी हम पोजिशन ट्रेड करने के लिए यूज़ करते हैं। सेट करके टाइम फ्रेम सेट करके यानी इसी तरह क्लिक कीजिए, एंड टेम्पलेट में आप देख सकते हैं हमारा पूरा टेम्पलेट आ जाएगा। हमारा पूरा 8 सॉफ्टवेयर्स है अंडर वन एक पैक के अंदर आपको पूरा 8 सॉफ्टवेयर्स मिलेगा, एंड जो जो अपडेशन हम करते हैं ऑटोमेटिकली आपको अपडेट भी मिलेगा। एंड नेक्स्ट ईयर मिडिल तक हमारा 9th वर्जन भी हम लॉन्च करने जा रहे हैं, तो ऑल द अपडेशन हमारा कस्टमर्स के लिए फ्री है। वी आर चार्जिंग ओनली वन टाइम पेमेंट। अभी मैंने यहाँ पे क्लिक किया टेम्पलेट में, एंड स्कैनर पे क्लिक कीजिए, स्कैनर ओपन करते टाइम पे इसी तरह आएगा, ये नीचे जितना ही है ना वो हमने ऐड नहीं किया, तो आपको क्या करना इसी तरह आ गया, तो जस्ट ओपन करते टाइम करने के बाद रिफ्रेश में क्लिक कीजिए, रिफ्रेश करके आ जाएगा है ना। इसी तरह सेटिंग कर सकते हैं आप, ये काफ़ी सिंपल है। जिससे हमारे ट्रेनिंग सेशन भी हम कस्टमर्स के लिए देते हैं, इससे सेटिंग के ये फर्स्ट टाइम हमें सेट करना होगा, उसके बाद ही ना ऑटोमेटिक सेव हो गए। एवरी डे आपको ऐसे ऐसे सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट वन टाइम है। जैसे नॉर्मल प्रोसेस है ना, हम अगर आपको हमारा सॉफ्टवेयर परचेज मीन्स अच्छा लगा और आप परचेज करना चाहते हैं, तो आफ्टर मेकिंग द पेमेंट हमारा टेक्निकल विद इन 10-15 मिनट के अंदर आपको सिस्टम में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके देगा। इंस्टॉलेशन करने के बाद मैं आपके सिस्टम में जैसे ये डेस्कटॉप शेयरिंग सॉफ्टवेयर थ्रू है ना टीमवर्क ME एडमिन एनएडएस थ्रू आपके सिस्टम में लॉगिन करके आपको ये फुल सेटिंग दिखाएगा। उसके बाद भी अगर आपको लाइव ट्रेड करते टाइम पे आपको कुछ डाउट या कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप डायरेक्ट मुझे कॉल कीजिए, और मुझे ये मेरा नंबर पर व्हाट्सएप भी ऑफिशियल व्हाट्सएप है, उसमें भी आप मैसेज कर सकते हैं। एंड ये जो मैंने अभी आपको दिखाया ना ये आप लाइव देखना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। माय नंबर इज़ 9061973737, व्हाट्सएप भी इसी नंबर पे है, एंड माय नेम इज़ गंगा। और आप हमारे वेबसाइट में भी लॉगिन कर सकते हैं www.wintrader.in, wintradersoft.com एंड wintraderfx.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।